हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ड चैलेंज, और ये वर्ड चैलेंज यूजफुल रहेगा IBPS क्लर्क प्री एंड मेंस के लिए, बैंक PO मेंस के लिए, और डेफिनेटली SSC और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है और जिसको आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, जिसकी 1 साल की वैलिडिटी है, जिसमें सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इसको आप बहुत ही कम प्राइस में यदि लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। myeaclasses.com ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर जाके इसको आप परचेज़ कर सकते हैं 1 साल के लिए। और सबसे पहले इस साइट पर जाके आप साइन अप करें, और उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया है उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, और वहाँ से आप उसके परचेज़ कर सकते हैं। इसकी 1 साल की वैलिडिटी है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है इसमें, और इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का। तो बहुत ही बेहतरीन ये टेस्ट सीरीज़ है, और इसको जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मात्र 99 रुपीज़ में आप 1 साल के लिए इसको आप ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर आप कॉल करें, 9893719933। तो चलिए वर्ड चैलेंज को शुरू करते हैं। देखिए, ये ऐसे हैं जो सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम हो, मेट और कैट के एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये वर्ड रिपीट होते रहते हैं। तो इन वर्ड के आंसर आपको बताना है, और उसके बाद हम सारे आंसर्स और सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, तो इससे डेफिनेटली वोकेबलरी आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो पहला वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेंगुइन एक वर्ड है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, SANGUINE। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप देख लीजिए आराम से, बेम्बूजल, डिरीजन, कैप्टिवेट, निगार्डली एंड अपबीट। तो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें, इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, और आप अपना ऑप्शन चुनें, और आपका यदि सही निकलता है तो आपको एक नंबर मिलेगा, और इसमें 10 क्वेश्चन है, और 10 में से आपका जितना भी स्कोर बनता है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। तो पहला वर्ड है यहाँ पर सेंग्विन, और सेंग्विन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, या बहुत ही ज़्यादा अपबीट, या बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, या ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है इसका। इसका जो सुनने में ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट और अपबीट, ये सारे इसके सुनने में हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से इसका जो आंसर जो होगा वो होगा अपबीट, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यदि ये आंसर आपका सही निकला है तो आप एक नंबर दीजिए, और नहीं निकला है तो 0 दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्कोरिंग करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। निगार्डली का मतलब होता है कंजूसी, और निगार्ड हम बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही कंजूस है, निगार्ड एक्चुअली अपने आप में एक एडजेक्टिव है। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। डिरीजन का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समवन, और टू मेक मॉकरी ऑफ समवन, डेराइड जिसको हम बोलते हैं, डेराइड वर्ब फॉर्म है, डिरीजन नाउन फॉर्म है, और बेम्बूजल का मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, या स्टम्प हो जाना। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो क्लास में। तो सेंग्विन का यहाँ पर सही आंसर होगा अप बीट, और इस वीडियो क्लास के एंड में मैं रिविजन भी आपको करवाऊंगा, तो इसलिए पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें और ध्यान से देखें। मैग्नेनीमस ये भी एक अच्छा वर्ड है, मैग्नेनीमस, मैग्नेनी मिटी नाउन फॉर्म है इसका, और ये ऑप्शन दिए हैं आपके पास, नेगोशिएबल, क्लमजी, बाउंटियस, गर्लिस एंड फेमिनिन। तो इसका आप आंसर लगा लीजिए, जो भी आपको आंसर इसका लग रहा है इस ऑप्शन में से। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, मैग्नेनीमस का सही जो आंसर होगा वो होगा बाउंटियस, और इसका एक मतलब लिबरल भी होता है, लिबरल या ब्रॉड माइंडेड या उदार। ठीक है, समवन हु इज़ वेरी लिबरल इन हिज अप्रोच इज कॉल्ड बाउंटियस और मैग्नेनीमस। तो बाउंटियस यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड या बेडंगा, क्लमजी, नेगोशिएबल जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं, गर्लिश मतलब लड़कियों जैसा, फेमिनिन मतलब रिलेटेड टू वुमेन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बाउंटियस, बाउंटियस इज द करेक्ट आंसर हेयर, मैग्नेनिमस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और सबलाइम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सबलाइम इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। सबलाइम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एक्सीलेंस क्वालिटी है, जिसमें एक्सीलेंट क्वालिटी है और सुपीरियर क्वालिटी है, उसको हम बोलेंगे सबलाइम क्वालिटी या सबलाइम ब्यूटी। ठीक है,
तो सबलाइम का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट यहाँ पर सही आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग भी एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिफ्यूटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप डिनाई कर सकते हैं, जिस चीज़ का आप खंडन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्यूटेबल, क्योंकि रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई करना या खंडन करना। वुमेनली मतलब औरतों जैसा, एकोमोडेटिंग मतलब एडजस्ट करने वाला, और प्यूनिटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कड़ा या कठोर या सीवियर, प्यूनिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर सबलाइम का जो सही आंसर होगा आपका मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रेपिडेशन, TREPIDA, TION, ट्रेपिडेशन, और 5 ऑप्शन में से सही आंसर आप इसका लगाएं, जो भी आंसर इसका है। रिलेंटलेस दिया है, पोजर दिया है, विम्सिकल दिया है, एक्यूमुलेशन दिया है, डिस्कम्पोजर दिया है, 5 वर्ड यहाँ पर दिए हैं, और जो भी आपका आंसर है वो आप लगा लीजिए। अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डर या घबराहट। जैसे सपोज आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप ट्रेपिडेशन में हैं, घबराहट हो रही है, कहीं पर आप जा रहे हैं तो आपको घबराहट हो रही है, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको ट्रेपिडेशन हो रहा है, तो उस सेंस में हम ट्रेपिडेशन को यूज़ करते हैं। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डर या घबराहट या एंग्जसनेस या एंग्जाइटी, उसको बोलते हैं हम ट्रेपिडेशन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा डिसकम्पोजर। मतलब जब आप अपना कंपोजर को खो देते हैं, अपनी शांति को आप खो देते हैं, आप घबराते हैं उस समय, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसकम्पोजर। और इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा ट्रेपिडेशन। तो ट्रेपिडेशन का सही सिनोनिम यहाँ पर होगा डिसकम्पोजर। और इसी से मिलता जुलता इससे एक वर्ड और बनता है इनट्रेपिड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यदि आप इन लगा देंगे तो ये इनट्रेपिड हो जाएगा, यहाँ तक ये इनट्रेपिड हो जाएगा। और इनट्रेपिड में चूंकि आपने इन लगा दिया इसलिए इसका मतलब होगा जो डरता नहीं है, यानी फियरलेस, समवन हु डजंट फियर, दैट इज कॉल्ड इनट्रेपिड। ठीक है, तो इनट्रेपिड भी एक बहुत अच्छा वर्ड है और ये रिपीट होता रहता है। अब हम देखते हैं बाकी के वर्ड्स को। रिलेंटलेस का मतलब होता है अनयील्डिंग या परसिस्टेंट, जो लगातार काम करता रहता है, बिना हारे, बिना थके, बिना झुके, उसको हम बोलते हैं रिलेंटलेस। रिलेंटलेस एफर्ट्स, रिलेंटलेस वर्क। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। पोजर हम बोलते हैं एक रिडल को या पजल को, उसको हम पोजर बोलते हैं। विम्सिकल का मतलब है जो मनमौजी है या जो स्थिर नहीं है, जो जो फिकल माइंडेड है उसको हम बोलते हैं विम्सिकल। और एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना या गैदर करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ट्रेपिडेशन का वो होगा आपका डिसकम्पोजर। चलिए कुछ वर्ड और देखते हैं। इम्परटर्बेबल, इम्परटर्बेबल, देखिए परटर्ब का मतलब होता है परेशान होना, परटर्ब परेशान होना, और इसका आंसर आप लगा लीजिए। और जो परेशान नहीं होता, जो घबराता नहीं है, जो शांत होता है, उसको हम बोलते हैं नॉनशेलेंट। तो नॉनशेलेंट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग भी एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, पॉस्टेरिटी का मतलब होता है फोर्थ कमिंग जनरेशंस, आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको हम बोलते हैं पॉस्टेरिटी। एंसेस्टर का उल्टा है ये पॉस्टेरिटी। ओबीस, इसकी ऑप्सीस या ओबेसिटी जैसे होता है, तो इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। इसकी स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और वीकनेस और फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब होता है जुनून या मैनिया, और ओबीस का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, तो फिक्सेशन का मतलब होता है मैनिया। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नॉनशेलेंट। आगे हम देखते हैं स्ट्राइडेंट, क्या मतलब है इस वर्ड का स्ट्राइडेंट, और जो भी आपके ऑप्शन हैं उसको आप लगाएं। जो भी आपका सही आंसर, स्टॉइक दिया है, प्लिंथ दिया है, रेमिफिकेशन दिया है, मिस अप्रोप्रिएशन दिया है, एंड वोसीफेरस, 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शोरगुल करता है, आवाज़ करता है, वोकल है बहुत ज़्यादा, तो वोसीफेरस इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, वोसीफेरस। ठीक है, स्ट्राइडेंट का सिनोनिम। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी, नॉर्मली ये फंड के सेंस में, पैसे के सेंस में यूज़ होता है, पैसे को मिस यूज़ करना या मिस अप्रोप्रिएट करना। बैंकिंग के सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है। रेमिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम किसी भी चीज़ के, रेमिफिकेशंस, नॉर्मली ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और प्लिंथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का बेस या बॉटम, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ। और स्टॉइक एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो पेन और प्लेजर, जो दुख में और सुख में,
एक समान जो जो रहता है उसको हम बोलते हैं स्टॉइक। ठीक है, तो स्ट्राइडेंट का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वो सी फेरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इजेलिटेरियन। इसका सही मीन्स क्या है? इजेलिटेरियन का मतलब कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें सभी के लिए बराबर राइट्स हों, सभी के लिए बराबर फैसिलिटीज हों, उसको हम बोलते हैं इजेलिटेरियन। और डेमोक्रेटिक यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। स्टम्प का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। लोकेसस का मतलब है टॉकेटिव। ठीक है, लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमा चलाना, कोर्ट में जाना। और वल्गर का मतलब होता है इंडिसेंट, और इसके लिए एक वर्ड और है बल्गर के लिए, ल्यूड, LEWD, ल्यूड। तो यहां पर सही आंसर होगा डेमोक्रेटिक। कन्फ्लुएंस क्या मतलब होगा इसका? जंक्शन दिया है, वायलेट दिया है, रेटिसेंट दिया है, दीवार दिया है और फॉइल दिया है। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होगा जहां पर दो चीजें आपस में आके मिलती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जंक्शन। जंक्शन यहां पर आपका सही आंसर होगा इसका। वायलेट का मतलब होता है डिसऑबे करना, किसी की बात मानने से इनकार कर देना, किसी कानून को तोड़ देना, उसको हम बोलते हैं वायलेट। रेटिसेंट इज समवन हु इज रिजर्व बाय नेचर। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को हम रेटिसेंट बोलेंगे जो जो रिजर्व है बाय नेचर। डिबार को हम प्रोहिबिट बोलेंगे, प्रोहिबिट इसका मतलब होता है। और फॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी प्लान को, किसी स्कीम को डिस्करेज कर देना या फ्रस्ट्रेट कर देना, उसको हम बोलते हैं फॉइल। तो कन्फ्लुएंस का सही आंसर यहाँ पर होगा जंक्शन। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं डायबॉलिक या डायबॉलिकल। डायबॉलिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा या बहुत ही ज़्यादा राक्षसी है, तो उसको हम बोलेंगे डायबॉलिक। हेलिश भी इसका एक सिनोनिम होता है, हेलिश, हेल जैसा। ठीक है, नर्क जैसा। तो यहाँ पर इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा आपका इनफर्नल। इनफर्नल का मतलब भी होता है बहुत बेकार या बहुत बहुत ज़्यादा जिसमें अपगुण हो, उसको हम बोलते हैं इनफर्नल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इनफर्नल। प्राय, प्राय का मतलब होता है इंटरफियर करना। ट्राइब का मतलब इच्छा होना या एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना। ओबीडियंस मतलब आज्ञा मानना। और स्टॉलिड का मतलब होता है इम्पैसिव, इम्पैसिव जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टॉलिड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डायबॉलिक या डायबॉलिकल का इन्फर्नल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसोलेंट। और पांच ऑप्शन में से एक आंसर इसका लगाएं, स्पूक, डिस्कर्टियस, डिस्करेजिंग और इनकरेजिंग और सार्केस्टिक। तो इंसोलेंट का मतलब होता है जो जो सामने वाले व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो डिसरिस्पेक्टफुल है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेंट, इंसोलेंट। ठीक है, तो डिसकर्टियस यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डिसकर्टियस। ठीक है, और स्पूक का मतलब होता है स्पूक का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। डिस्करेजिंग हतोत्साहित करना, इनकरेजिंग मतलब इनकरेज करना, और सार्केस्टिक मतलब किसी पर व्यंग करना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डिस्कर्टियस। तो ये थे 10 वर्ड्स। आपका जितना भी स्कोर बना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगा इन सभी वर्ड्स का। इनके थ्रू काफ़ी सारे वर्ड आपको रिवाइज हो जाएंगे। फ्लाउट का मतलब है वायलेट करना। ठीक है, डिसऑबे करना, फ्लाउट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है फ्लाउट। फैटिश का मतलब होता है मैनिया या ऑब्सेशन या जुनून। कॉनंड्रम का मतलब होता है कोई भी पजल या रिडल। विराइल का मतलब होता है मैनली या मस्कुलर या शक्तिशाली। ड्रैकोनियन का मतलब होता है सीवियर, बहुत ही ज़्यादा सीवियर, कड़ा, कठोर या प्यूनिटिव। प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन। नॉर्मली हम बैड कंडीशन के लिए प्लाइट वर्ड को यूज़ करते हैं। स्कैथिंग का मतलब होता है आपका सार्केस्टिक, व्यंग करने वाला। प्राय का मतलब होता है इंटरफियर। ठीक है, फ्लाउंडर का मतलब होता है स्ट्रगल करना, नॉर्मली मेंटली स्ट्रगल करना किसी चीज़ को पाने के लिए। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब मिस यूज़ करना, नॉर्मली हम फंड के सेंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ल्यूड का मतलब होता है जो ग्रेसफुल नहीं है, जो वल्गर है, उसको हम बोलते हैं ल्यूड। और ड्रैकोनियन का मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर। स्टाइमी का मतलब कन्फ्यूज़ हो जाना। बेम्बूजल सिनोनिम होता है इसका। कोनंड्रम का मतलब भी पजल होता है। प्लाय का मतलब किसी चीज़ को परसू करना या प्रैक्टिस करना, प्लाय। इम्पैसिव मतलब जिसमें फीलिंग नहीं है, स्टॉलिड इसका सिनोनिम होगा। इनस्क्रूटेबल मतलब जो जो एनिग्मेटिक है, जो पहेलीदार है, जो जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको आप माप नहीं सकते, उसको हम इनस्क्रूटेबल बोलते हैं। और एनिग्मेटिक भी बोलते हैं इसको, एनिग्मेटिक।
ठीक है। रिप्रीव का मतलब पार्डन होता है, ऑफिशियल पार्डन उसको हम रिप्रीव बोलते हैं। पिल्फर का मतलब चोरी करना होता है। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए हैं, तो इस वीडियो को आप कई बार देखें और 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली ये सारे वर्ड अच्छे तरीके से आपको रिवाइज हो जाएंगे। और इस चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए केवल 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेटेड पैटर्न की, नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज़ केवल 99 रुपीज़ में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।